हेलो दोस्तों, आपको भी पता है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का दोस्तों रिजल्ट आ चुका है यार। और रिजल्ट आने के बाद से ही दोस्तों काफी सारे बच्चों के मन में दोस्तों काफी सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं दोस्तों। और इसका रीजन भी है यार, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट दोस्तों संतोषप्रद नहीं रहा दोस्तों। जैसा रिजल्ट चाहिए था दोस्तों, जैसा रिजल्ट बस से एक्सपेक्ट कर रहे थे दोस्तों एनटीपीसी के द्वारा, वो रिजल्ट शायद देखने को नहीं मिला यार। बहुत सारे बच्चों के मन में दोस्तों बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए दोस्तों। कुछ बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है क्या रिजल्ट फिर से आएगा। देखिए यार, रिजल्ट फिर से आने का तो मुझे नहीं पता दोस्तों। इस सवाल का जवाब शायद मैं भी आपको ना दे पाऊं, क्योंकि यार अभी का कंडीशन ही कुछ ऐसा है दोस्तों। आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपी का से दोस्तों सिर्फ रिजल्ट आया यार। एक सिर्फ एक क्या दिया गया है दोस्तों, पीडीएफ दिया गया है। उसमें आपका रोल नंबर दिया गया है और बता दिया गया है जिस जिस जो जो रोल नंबर दिया गया है दोस्तों वो उस लिस्ट में है तो वो क्वालिफाई है, और नहीं है तो यार वो डिसक्वालिफाई है। तो यार वेट कीजिए दोस्तों, अभी भी स्कोर कार्ड नहीं आया। स्कोर कार्ड आएगा दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा आपका रॉ स्कोर कितना है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मार्क्स मिला दोस्तों और किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यार अभी अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों, अब ट्विटर पे दोस्तों बहुत ज्यादा कैंपेन चला रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे यार आरआरबी एनटीपीसी के दोस्तों इस रिजल्ट से नाखुश है यार। बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं यार, एक डाउट ये भी है यार कि सर एग्जाम एक और कट ऑफ चार कैसे। देखिए यार सही बात है, देखिए एग्जाम यार एक ही लिया गया, मतलब कि जितने भी लेवल के एग्जाम थे दोस्तों, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 और लेवल 6, यार इन सभी के लिए दोस्तों एक कॉमन एग्जाम लिया गया। लेकिन कट ऑफ जारी करते समय दोस्तों सबका अलग अलग कट ऑफ जारी किया गया। यार अगर ऐसा ही था तो आपने अलग अलग सेपरेट सेपरेट एग्जाम क्यों नहीं लिया? लेवल 2 का अलग लेते, 3 का अलग लेते, 5 का अलग लेते और 6 का अलग लेते, फिर यार अलग अलग कट ऑफ जारी कर देते। ठीक है यार, मेहनत सबने एक समान की, सबको रिजल्ट एक समान दिया नहीं देना चाहिए था यार, फिर सबको अलग अलग क्यों दिया गया? ये भी एक रीजन है दोस्तों। देखिए लेवल 2 वालों का मेहनत अलग रहता दोस्तों, यार उनके हिसाब से लेवल पेपर आता ना, उनका कंपटीशन उनके बीच में रहता। ठीक है दोस्तों, उनका कंपटीशन लेवल 2 और 3 वालों का कंपटीशन लेवल 5 और 6 वालों के साथ तो नहीं रहता ना। अभी की कंडीशन में क्या है दोस्तों, यार एक लेवल 6 वाला बंदा सेलेक्ट भी हुआ है दोस्तों, तो उसको क्या है, लेवल 5 पे भी सेलेक्ट हो गया, ज्यादा नंबर लाया तो लेवल 2 में भी सेलेक्ट हो गया, लेवल 3 में भी सेलेक्ट हो गया। लेकिन यार लेवल 2 और 3 वालों का क्या दोस्तों, अगर लेवल 6 वाला बंदा भी उनके पोस्ट में जाके हक जमाने लग जाए तो यार ये तो फिर सरासर नाइंसाफी है। क्योंकि आपको भी पता है यार, लेवल 6 वाला जो बंदा है दोस्तों, जो ग्रेजुएशन लेवल वाला है, अच्छे से अच्छे तैयारी किया हुआ है और क्या पता बहुत बड़े पोस्ट की तैयारी कर रहा हूं, वो तो यार अब जस्ट सी बात है ना, मैक्सिमम मार्क्स लाएगा। लेकिन यार अगर आपने 10+2 लेवल का एक पोस्ट खोला है दोस्तों, जो क्या है लेवल 2 और 3 वालों के लिए है, उसमें आप लेवल 6 वालों को भी अगर क्वालिफाई करा देंगे तो यार उसमें 10+2 वाले बच्चे है ही कहाँ यार, आपका क्या मतलब बना बताओ। तो अगर आप 10+2 लेवल का पोस्ट खोल के बैठे हैं तो उसमें तो कोई भी 10+2 वाले लेवल का बंदा नहीं होगा यार, उसमें तो सारे ग्रेजुएशन वाले बंदे जाके भर गए। तो यार आपको तो ये पोस्ट खोलना ही नहीं चाहिए था, 10+2 लेवल का हटा दीजिए, रखना ही नहीं चाहिए था ऐसा पोस्ट। तो यार ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, आप इस मुद्दे के बारे में सोच के देखिएगा, मुझे भी यार ये कमेंट बॉक्स में देखने को मिले। सो ये मुद्दा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट डेटा की बात करते हैं दोस्तों, यूट्यूब पोल का क्या हुआ सर अगर 55 से 65 के बीच में कट ऑफ गया था तो? सही बात है यार, जितने भी यूट्यूबर ने यूट्यूब पोल कराए थे दोस्तों, आप अभी भी यूट्यूब पोल जाके देखिए, उसमें यार दोस्तों मैक्सिमम बच्चों ने जो अपने मार्क्स शेयर किए थे उसमें यार जो थे दोस्तों वो 50, 55, 60, 65 इन्हीं चीज के करीब थे दोस्तों, वो भी मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स दोस्तों 55 से 65 के आसपास ही थे। तो यार ये 92 और 93 वाले बंदे आए कहाँ से यार? अब बात करते हैं दोस्तों, ये बंदे कैसे टपक गए यार, ये कहाँ से आए इतने ज्यादा मार्क्स वाले? अगर यार यहाँ पे रॉ मार्क्स 55 से 65 के बीच में है तो ऐसा तो नहीं यार कि नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी को 20-20 नंबर दे दिया गया हो यार। आप अगर 20-20 नंबर दे भी देते हो दोस्तों तो 55 वालों को कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 75 होता है यार। ठीक है, 20-20 नंबर दिए भी तो यार ये 90-92 वाले कहाँ से आ गए, 85-86 वाले कहाँ से आ गए, इतना हाई कटअप कैसे चला गया यार? क्या सभी ने, सभी को आपने 20-20 नंबर 30-30 नंबर बोनस दे दिया क्या? इतना हाई कटअप जाने का रीजन तो यही है दोस्तों, अगर ऐसे मिला होगा तो। तो यार अगर कुछ बंदे लाते भी होंगे यार मैक्सिमम मार्क्स, मानता हूँ मैं 85-86 ले गए, तो कुछ ही बच्चे होंगे यार, फिर ये 7 लाख कैंडिडेट दोस्तों पूरा फिलफिल कैसे हो गए? ठीक है, अगर आपने वादा किया था कि 20 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे टोटल 7 लाख, तो यार ये कैंडिडेट गए कहाँ? ठीक है दोस्तों, पूरे कैंडिडेट आपने यूं ही भर लिए, लगभग लगभग यार 1.5 लाख से आसपास दोस्तों, 2.5 लाख के बीच में मान के चलिए, 1 से 1.5 लाख के बीच में यार सब कुछ निपटा दिया आपने, 1.5 से 2 लाख के बीच में। ठीक है दोस्तों, पूरे बच्चे सेलेक्ट कर लिए, 7 लाख जो बच्चे थे दोस्तों इन्हीं के बीच में राउंड फिगर पूरा फुलफिल कर दिए। तो यार फिर बाकी बच्चों का क्या?
ठीक है दोस्तों, ये अगर ऐसा कट ऑफ गया था दोस्तों, किसमें गया था, यूट्यूब पोल में, तो यार अगर मैक्सिमम बच्चों के इन्हीं चीजों के बीच में मार्क्स थे, तो यार ये मार्क्स वाले बंदे आए कहाँ से जो अभी आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिनका नंबर यार 92-93 तक लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, कब तक आएगा आपका स्कोर कार्ड। देखिए यार, आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा दोस्तों दिया गया है, आप बोला गया है शायद आज शाम तक आपको दोस्तों आपका स्कोर कार्ड देखने को मिल जाए दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।